हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक नया टॉपिक जो है प्रीपोजिशन। किसी भी सेंटेंस में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो कौन करता है? प्रीपोजिशन। कैसे? तो जो प्रीपोजिशन होती है वो हमें क्या बताती है? रिलेशनशिप बताती है। रिलेशनशिप बताती है कोई भी नाउन प्रोनाउन की या फिर वर्ब की किसी दूसरे वर्ड्स के साथ। किसी भी एक सेंटेंस में जो भी नाउन रहेगा या फिर प्रोनाउन रहेगा या फिर वर्ब रहेगा, उसकी रिलेशनशिप दूसरे वर्ड्स के साथ क्या है वो हमें कैसे पता पड़ेगा? प्रीपोजिशन यूज़ करके। तो आइए अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट वर्ड्स लाइक नाउन और प्रोनाउन वर्ब विथ अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। अब जो भी नाउन या फिर वर्ब हमारी प्रीपोजिशन के साथ कनेक्टेड रहेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में अगर हमने ये फाइंड किया कि ये हमारा नाउन है या फिर प्रोनाउन है या फिर वर्ब है, ठीक है, और उसके साथ प्रीपोजिशन लगा हुआ है, तो वो जो भी इन तीनों में से एक होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं प्रीपोजिशन के, जिससे कि और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल, इन, ऑन, फॉर, टू, ऑफ, विद, दो, ये तो कुछ बहुत ही कॉमन यूज होने वाले एग्जाम्पल्स है। अब इनकी भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, उन टाइप्स के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। अब प्रीपोजिशनल फ्रेजेस क्या होते हैं? कोई भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन जब एक साथ हो तो वो हमारा क्या बन जाएगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज। इसका मीनिंग देख लेते हैं। प्रीपोजिशन एंड देयर ऑब्जेक्ट टुगेदर फॉर्म प्रीपोजिशनल फ्रेजेस विच कैन फंक्शन आइदर एडजेक्टिव और एडवर्ब। यानी कि किसी भी सेंटेंस में अगर आपका ऑब्जेक्ट और आपका प्रीपोजिशन दोनों एक साथ हो तो वो किस तरीके से फंक्शन करेंगे किसी भी सेंटेंस में? या तो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेंगे या फिर एडवर्ब की तरह फंक्शन करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं, ऑन द ग्राउंड, ठीक है। अब इस सेंटेंस में हमारा ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है, जो कि हमको क्या डिस्क्राइब कर रहा है? द लोकेशन इन रिलेशन टू द ग्राउंड। और ग्राउंड हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स ऑन द ग्राउंड इज अ वर्ब प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऑफ द बेडरूम। अब इस सेंटेंस में हमारा ऑफ क्या हो गया? प्रीपोजिशन। अब ये ऑफ हमें क्या बता रहा है कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में जो भी बात हो रही है वो किससे रिलेटेड बात हो रही है? बेडरूम से रिलेटेड बात हो रही है। नेक्स्ट एग्जांपल, डाउन द डार्क वैली। अब यहाँ पे डाउन हमारा क्या हो गया? प्रीपोजिशन, जो कि क्या डिस्क्राइब कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन रिलेशन टू वैली। वहीं पे अगर हम डार्क की बात करें तो ये डार्क हमारा क्या हो गया? मॉडिफायर। यानी कि किसी भी एक सेंटेंस में प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट के अलावा भी जो वर्ड हो सकते हैं और वो हमारे क्या कहलाएंगे? मॉडिफायर ऑफ द सेंटेंस। तो मॉडिफायर क्या करेगा? एडिशनल मीनिंग देगा सेंटेंस में, ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसमें हम मॉडिफायर का भी यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? इनटू एन एम्प्टी पार्किंग लॉट। अब इस सेंटेंस में क्या हो रहा है?
क्या डिस्क्राइब हो रहा है? डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन रिलेशन टू द कंपाउंड नाउन. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रिपोजिशन क्या हो गया? इनटू. वहीं पे हमारा जो एम्प्टी है ये हमारा क्या हो गया? मॉडिफायर. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं. बिकॉज ऑफ नेस्टी वेदर. अब यहाँ पे भी जो हमारा बिकॉज ऑफ है ये हमारा क्या है? कंपाउंड प्रिपोजिशन, जो कि डिस्क्राइब कर रहा है द रीजन व्हाई समथिंग हैपन. ओके, तो जैसा हमने प्रिपोजिशनल फ्रेजेस की डेफिनेशन देखी थी कि प्रिपोजिशनल फ्रेजेस में क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा हमारा और एक प्रिपोजिशन होगा, टुगेदर दे फॉर्म अ प्रिपोजिशनल फ्रेज. तो जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा वो हमारा काय का फंक्शन करेगा, आइदर एडजेक्टिव और एडवर्ब. तो उससे हमने क्या डिफाइन किया कि हमारे प्रिपोजिशनल फ्रेजेस कितने टाइप्स के होंगे? दो टाइप्स के, एडजेक्टिवल प्रिपोजिशनल फ्रेजेस और एडवर्बियल प्रिपोजिशनल फ्रेजेस. यानी कि किसी भी सेंटेंस में या तो एडजेक्टिव रहेगा, अ सेंटेंस दैट विल फंक्शन एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब. अब ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी एक सेंटेंस में या तो एडजेक्टिवल ही आए या फिर एडवर्बियल ही आए, दोनों भी एक साथ आ सकते हैं. तो उसकी एक अलग कैटेगरी बनी है जो कि है मल्टीपल प्रिपोजिशनल फ्रेजेस. तो आइए हम एडजेक्टिवल प्रिपोजिशनल फ्रेज की डेफिनेशन देख लेते हैं, इसका मीनिंग और अच्छे से समझ लेते हैं. तो एडजेक्टिवल प्रिपोजिशनल फ्रेज क्या होते हैं? जो कि मॉडिफाई करते हैं किसी भी नाउन, प्रोनाउन या फिर जेरंड को इन अ सेंटेंस. मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर हम प्रिपोजिशन के साथ नाउन, प्रोनाउन या फिर जेरंड का यूज कर रहे हैं, मतलब ग्रामेटिकली वो क्या रहेगा? हमारा नाउन, बट इट विल फंक्शन एज एन एडजेक्टिव, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? एडजेक्टिवल प्रिपोजिशनल फ्रेजेस. अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ वी कैन फाइंड आउट वेदर इट इज अ एडजेक्टिवल प्रिपोजिशनल फ्रेजेस और नॉट. तो किसी भी सेंटेंस में अगर हमें आंसर मिल रहा हो टू द क्वेश्चन अबाउट विच वन, व्हाट काइंड, हाउ मैनी और हाउ मच, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? एडजेक्टिवल प्रिपोजिशनल फ्रेजेस. ठीक है, अब इसको और कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उससे इजी वे में समझते हैं. सो दीज आर अवर सम एग्जांपल्स, तो इसको वन बाय वन डिटेल में समझते हैं कि एडजेक्टिवल प्रिपोजिशनल फ्रेज ये कैसे हुए. ठीक है, तो आप सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं. द डॉग ऑन द शेड इज ब्लैक. ठीक है, अब इस सेंटेंस में सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करते हैं कि इसमें फ्रेज क्या है. ठीक है, तो ऑन द शेड ये हमारा क्या हो गया? फ्रेज हो गया. वहीं पे जो ऑन है ये हमारा क्या हो गया? प्रिपोजिशन हो गया है. क्यों ये प्रिपोजिशन हो गया? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहा है. ठीक है, और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? शेड. तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन या डिस्क्राइब जो करे वो हमारा क्या कहलाता है? प्रिपोजिशन कहलाता है. प्रिपोजिशन एंड ऑब्जेक्ट कंबाइन टुगेदर फॉर्म प्रिपोजिशनल फ्रेजेस. ठीक है, अब नाउ द क्वेश्चन इज हाउ दिस सेंटेंस इज एडजेक्टिवल प्रिपोजिशनल फ्रेज. तो हाउ,
because it answers the question which dog. तो जैसा कि हमने अभी पहले पढ़ा था कि अगर हमें एडजेक्टिवल प्रीपोजिशनल फ्रेज को आइडेंटिफाई करना है तो हमको क्या क्वेश्चन करना होगा, विच वन, व्हाट काइंड, हाउ मैनी, हाउ मच. तो इस वाले सेंटेंस में हमारा क्या क्वेश्चनिंग हो रही है, विच कैट, दैट मीन्स दिस इज अवर एडजेक्टिवल प्रीपोजिशनल फ्रेज. नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं. I would like to buy some flowers in a glass vase. अब इस सेंटेंस में हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या है, in a glass vase. अब इस सेंटेंस में हमारा प्रीपोजिशन क्या हो गया, in. ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया जो कि डिस्क्राइब कर रहा है उसका ऑब्जेक्ट जो कि है वास. और यहाँ पे जो ग्लास है, अब ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया किसने, प्रीपोजिशन ने, जो कि है वास. लेकिन वास के साथ क्या लगा हुआ है, ग्लास. तो ये ग्लास हमारा क्या हो गया, मॉडिफायर. ठीक है, सो इट इज प्रीपोजिशनल फ्रेज. ठीक है, अब ये एडजेक्टिवल प्रीपोजिशनल फ्रेज कैसे हो गया, क्योंकि ये कौन से क्वेश्चन को आंसर कर रहा है, व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर स्पीकर वांट टू बाय. मतलब इस सेंटेंस में जो भी स्पीकर है, यहाँ पे स्पीकर कौन है, आई. तो व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर, तो व्हाट काइंड, यस, व्हाट काइंड हमारा एडजेक्टिवल प्रीपोजिशनल की कैटेगरी का एक क्वेश्चन है. दैट मीन्स ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिवल प्रीपोजिशनल फ्रेज. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं. पीपल फ्रॉम मैनी डिफरेंट कंट्रीज हैव विजिटेड हेयर. अब इस सेंटेंस में फ्रॉम मैनी डिफरेंट कंट्री इज अवर प्रीपोजिशनल फ्रेज. ठीक है, वहीं पे जो कि नाउन को मॉडिफाई कर रही है. अब यहां पे हमारा नाउन क्या है, पीपल. तो अगर देखा जाए तो डायरेक्टली क्या क्वेश्चन बन रहा है इस सेंटेंस में, कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल. ठीक है, सेंटेंस क्या है, पीपल फ्रॉम मैनी डिफरेंट कंट्रीज हैव विजिटेड हेयर. तो अगर हम डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे तो डायरेक्टली हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट काइंड ऑफ पीपल. लेकिन इनडायरेक्टली हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, हाउ मैनी. क्यों बनेगा इनडायरेक्ट क्वेश्चन हाउ मैनी, क्योंकि सेंटेंस क्या है हमारा, पीपल फ्रॉम मैनी डिफरेंट कंट्रीज. तो मैनी डिफरेंट कंट्रीज ये हमारा क्वेश्चन क्रिएट करेगी, हाउ मैनी. तो हेंस दिस इज अवर एडजेक्टिवल प्रीपोजिशनल फ्रेज. अब जब हमने एडजेक्टिवल प्रीपोजिशनल फ्रेज पढ़े थे तो उसमें हमने क्या देखा था, कि वो हमें मॉडिफाई करेगा, मतलब वो क्या मॉडिफाई करता है, नाउन, प्रोनाउन और जेरंड. ठीक है, अब एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज जो रहेंगे वो क्या मॉडिफाई करेंगे, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब. ठीक है, वहां पे क्या मॉडिफाई हो रहा था, नाउन, प्रोनाउन और जेरंड. ग्रामेटिकली वो नाउन थे बट किसकी तरह फंक्शन कर रहे थे, एज एन एडजेक्टिव. यहां पे क्या मॉडिफाई हो रहा है, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, बट इट फंक्शन एज एन एडवर्ब किसी भी सेंटेंस में. तो फिर ये क्या कहलाएगा हमारा, एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेजेस. ठीक है, अब जो भी एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज रहेंगे वो दे डू नॉट इमीडिएटली फॉलो दी वर्ब.
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेजेस है। तो दे विल आंसर द क्वेश्चन व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई एंड टू व्हाट एक्सटेंट। वहीं पे जब हमने एडजेक्टिवल प्रीपोजिशनल फ्रेजेस की बात करी थी तो वो हमें क्या क्वेश्चन दे रहे थे, विच वन, व्हाट काइंड, हाउ मैनी, हाउ मच। और यहाँ पे ये हमें क्या क्वेश्चन दे रहे हैं, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई, टू व्हाट एक्सटेंट। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से और डिटेल में और क्लियरली देख लेते हैं। तो ये हैं हमारे तीन एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है आई रैन अ माइल डाउन द रोड। अब इस सेंटेंस में हमारा डाउन द रोड क्या हो गया, एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज। कैसे, बिकॉज इट मॉडिफाइंग वर्ब रन एंड इज आंसरिंग द क्वेश्चन वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, रैन। तो रैन की फर्स्ट फॉर्म हमारी क्या हो गई, रन। तो ये क्या मॉडिफाई कर रहा है हमारे वर्ब को। ठीक है, और नेक्स्ट ये हमें क्वेश्चन क्या दे रहा है, इट आंसरिंग द क्वेश्चन वेयर। तो आंसर क्या हो गया हमारा, डाउन द रोड। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, शी विल लीव आफ्टर अ शॉर्ट रन। अब इस सेंटेंस में आफ्टर अ शॉर्ट रन हमारा क्या हो गया, इज एन एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज। व्हाई, बिकॉज इट्स मॉडिफाइंग अ वर्ब लीव। अब इस सेंटेंस में हमारा वर्ब क्या है, लीव, जो ये मॉडिफाई कर रहा है। और दूसरा आइडेंटिफाई करना, दूसरा क्या आइडेंटिफाई कि ये हमको क्या क्वेश्चन दे रहा है, व्हेन द एक्शन विल हैपन। तो व्हाट विल बी द आंसर, आफ्टर अ शॉर्ट रन। ठीक है, तो आफ्टर अ शॉर्ट रन विल बी अवर एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं, बिकॉज ऑफ माई ऑपरेशन आई हैड टू कैंसिल माई फ्लाइट। अब इस सेंटेंस में बिकॉज ऑफ माई ऑपरेशन, ये हमारा क्या हो गया, एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्यों हो गया, क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है हमारे वर्ब कैंसल को। आई हैड टू कैंसिल माई फ्लाइट, तो यहाँ पे हमारा कैंसिल क्या है, वर्ब है। और ये हमें क्या क्वेश्चन दे रहा है, व्हाई द स्पीकर हैड टू कैंसिल, बिकॉज ऑफ माई ऑपरेशन। दैट मीन्स बिकॉज ऑफ माई ऑपरेशन इज अवर एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मल्टीपल प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब मल्टीपल प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होते हैं, कि किसी भी सेंटेंस में जब एडजेक्टिवल प्रीपोजिशनल फ्रेज और एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज दोनों आए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीपल प्रीपोजिशनल फ्रेज। मतलब ये नहीं हो सकता है कि किसी भी सेंटेंस में सिर्फ एक ही काइंड का प्रीपोजिशनल फ्रेज आए। ठीक है, दोनों भी आ सकते हैं, जिसे हम मल्टीपल प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलेंगे एज मॉडिफायर। जब एडजेक्टिवल प्रीपोजिशनल फ्रेज आएगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मॉडिफायर कहलाएगा। वहीं पे जब एडजेक्टिवल प्रीपोजिशनल फ्रेज आएगा तो वो क्या कहलाएगा, मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट ऑफ अदर प्रीपोजिशनल फ्रेज। एक हमारा मॉडिफायर कहलाएगा और एक क्या कहलाएगा, मॉडिफाई द
अदर प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, या हम बोल सकते हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको सिंपल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, इस एग्जाम्पल से इसको सिंपल वे में देख लेते हैं। अब इस सेंटेंस में क्या है, ड्यूरिंग द क्रिसमस ब्रेक आई विजिटेड माई ओल्ड स्कूल बिहाइंड अवर हाउस। अब इस सेंटेंस में क्या है, हमारे दो प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं, कौन कौन से, ड्यूरिंग द क्रिसमस ब्रेक, यह हमारा एक प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, और दूसरा हो गया हमारा बिहाइंड अवर हाउस, ये हमारा दूसरा प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। लेकिन हमने तो दो टाइप के पढ़े हैं, अब इनमें से कौन सा किस टाइप का है, तो जो हमने अभी रूल्स पढ़े थे आइडेंटिफाई करने के, वही रूल यहाँ पे हम फॉलो करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या है, ड्यूरिंग द क्रिसमस ब्रेक। तो ड्यूरिंग द क्रिसमस ब्रेक हमारा ये क्या है, एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब ये एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या हो गया, तो पहला इसका रीजन, पहला रीजन क्या है कि ये वेरी बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस आया है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, ये वर्ब विजिटेड को डिस्क्राइब कर रहा है, डिस्क्राइबिंग वर्ब विजिटेड, ठीक है। और तीसरा क्या है, ये हमारे आंसर दे रहा है कौन से क्वेश्चन को, वैन। तो ये हमारे तीन कारण हैं जिस वजह से हम बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग द क्रिसमस ब्रेक इज अवर एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज। कौन कौन से तीन कारण, सबसे पहला कि ये सेंटेंस के बिगनिंग में आया है, दूसरा ये हमारे वर्ब विजिटेड को डिस्क्राइब कर रहा है, और तीसरा इट इज आंसरिंग द क्वेश्चन व्हेन, ठीक है। वहीं पे अब सेकेंड प्रीपोजिशनल यानी कि ये हमारा हो गया एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज, सेकेंड है हमारा बिहाइंड अवर हाउस। तो बिहाइंड अवर हाउस ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिवल प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब हाउ, कैसे, तो इसके भी हम रीजंस देख लेते हैं। सबसे पहला तो ये क्या है, ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, और यहां पे हमारा मॉडिफाइंग नाउन, ठीक है। और इस सेंटेंस में हमारी नाउन क्या है, स्कूल, ठीक है। सेकंड, ये हमारे कौन से आंसर को क्वेश्चन कर रहा है, विच वन। सो फर्स्ट हिंट क्या हो गई, पहली हिंट तो ये हो गई कि ये नाउन को मॉडिफाई किया, तो ये हमारा एडजेक्टिवल प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, और दूसरा क्या कि ये हमारे विच वन क्वेश्चन को आंसर कर रहा है, तो विच वन, बिहाइंड अवर हाउस, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। अभी पहला जो सेंटेंस था उसमें क्या था, एक आ रहा था हमारा पहले, और एक एडजेक्टिवल फ्रेज आया था हमारा पहले, और एक आया था बाद में। लेकिन किसी भी सेंटेंस में ये ज़रूरी नहीं होता है कि एक पहले आए और एक बाद में आए, बैक टू बैक यानी कि एक के बाद एक भी आ सकते हैं, जैसा कि इस एग्जाम्पल में, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है, वी एंडेड अवर गेम विद द नेबर्स एट वंस व्हेन वी हर्ड अवर पेरेंट कॉलिंग, ठीक है।
अब इस सेंटेंस में विद द नेबर और एट वंस ये हमारे एडजेक्टिवल फ्रेजेस हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ये अगर ये मल्टीपल प्रीपोजिशनल फ्रेजेस की कैटेगरी में आ रहे हैं तो फिर ये हमारे एक ही है इसमें तो, लेकिन मल्टीपल है तो यहाँ पे तो दो प्रीपोजिशनल फ्रेज होना चाहिए था। तो एक प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया हमारा ये, और दूसरा प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया हमारा ये। तो यानी कि किसी भी सेंटेंस में ये जरूरी नहीं है कि कोई भी प्रीपोजिशनल फ्रेज या तो पहले आए या तो बाद में आए, बैक टू बैक भी आ सकते हैं दो टाइप के, जैसा कि इस सेंटेंस में आए हैं। अब बात ये आती है कि इसमें से कौन सा एडजेक्टिवल है और कौन सा एडवर्बियल है। तो एडजेक्टिवल और एडवर्बियल को पहचानने के रूल्स तो हमें पता ही, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विद द नेबर्स की। तो विद द नेबर जो हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन जो कि है गेम, ठीक है। एंड इट आंसरिंग द क्वेश्चन सो इट आंसरिंग द क्वेश्चन किसके साथ हमने गेम खत्म किया, विद द नेबर्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिवल प्रीपोजिशनल फ्रेज। सेकंड हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज आता है एट वंस, ठीक है। अब एट वंस यहाँ पे क्या मॉडिफाई किया जा रहा है, वर्ब मॉडिफाइंग वर्ब, और यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, एंडेड, ठीक है। और ये सेंटेंस में बाद में भी आया है, तो ये हमारा क्या हो गया, एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय टुडेज वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन। Thank you.